नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू काइंड्स ऑफ लॉ लॉ एज अ जंग इसमें बहुत सारे लॉज जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन कुछ काइंड्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कॉमन लॉ कॉमन लॉ इज अ जजमेट लॉ और कॉमन लॉ इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म कॉमन ली विच मीन्स

इट इज नॉट पार्ट ऑफ द लॉ लेकिन ये जो कॉमन लॉ की एजेस हैं उसको राउंड करता है फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे कोई लॉ ऐसा है कि जिससे एक खास तबके का तो फायदा हो रहा है लेकिन वो मेजोरिटी के लिए नुकसानदेह है तो वहां पर एक्विटी आकर निस्फत की बात करे कि यह इंसाफ नहीं है कि आप थोड़े से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ मेजोरिटी तो कॉमन लॉ की जो एजिज हैं अगर वो हार्ड हैं स्टिफ हैं और सोसाइटी के लिए नुकसान दे हैं तो वहां पर जो एक्विटी है वो आती है और उसकी एजिज को राउंड करती है नेक्स्ट जो काइंड ऑफ लॉ है वो है स्टैचू लॉ इसको हम स्टैचुटरी लॉ भी बोलते हैं स्टैट्यूट लॉ जो होता है ये जज मेड लॉ नहीं है ये लॉ जजेस नहीं बनाते बल्कि स्टैट्यूट लॉ जो है ये पार्लियामेंट मेड लॉज होते हैं पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है वो नेशनल असेंबली सेनेट और प्रेसिडेंट पर मुश्तमिल है अगर ये तीनों मिलकर लॉ बनाते हैं तो हम उसको स्टैचुट लॉ या स्टैचुटरी लॉ कहते हैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का कॉन्सेप्ट है सब्सटेंटिव लॉ जो है ये ऐसा पार्ट ऑफ द लॉ होता है जो कि लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है और प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है कि जिनको फॉलो करके यानी जिस जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो पूरे किए जाते हैं इनकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अगर एक शख्स है उसके घर किसी ने कोई डकेती कर दी है तो डकेती की सजा तो पाकिस्तान पीनल कोड में लिखी होगी और जिस शख्स ने वो डकेती की है उसको उस सजा तक लेके जाने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब पीपीसी जो है वो सजाएं बता रही है राइट्स एंड ड्यूटीज के मुतल बता रही है और जो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बता रहा है जिसके जरिए से उस शख्स को सजा दी जाएगी इसके अलावा जो नेक्स्ट काइंड आ रही है वो प्राइवेट लॉ की आ रही है ये प्राइवेट लॉ जो है इट इज अ लॉ दैट रेगुलेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नेक्स्ट जो काइंड है दैट इज पब्लिक लॉ पब्लिक लॉ बेसिकली डील्स विथ सिटीजन रिलेशनशिप विथ दैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्रिमिनल लॉ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी एज वेल माई डियर स्टूडेंट्स क्रिमिनल लॉ जो है इज अ बॉडी ऑफ लॉ के जिसके तहत जो ऑफेंसेज हैं जो कि सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं उनके ऊपर जस्टिस जो है वो डिस्पेंस किया जाता है सोसाइटी बेसिकली रॉन्ग्स को दो हिस्सों में डिवाइड करती है एक वो जो के लेस सीरियस वैल्यू के हैं और दूसरे वो जो के सीरियस वैल्यू के हैं जो लेस सीरियस वैल्यू के रॉंग्स हैं उनको प्राइवेट रॉन्ग्स में डाला जाता है यानी सिविल रॉन्ग्स में और जो हैवियर सीरियस वैल्यूज के रॉन्ग्स हैं उनको क्रिमिनल रॉंग्स कहा जाता है सिविल लॉ डील्स विद द प्राइवेट रॉन्ग्स और प्राइवेट रॉंग्स जो हैं इट एग्जिस्ट नॉर्मली बिटवीन टू इंडिविजुअल्स